हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि कल आपने कमेंट वमेंट किए थे कि क्लासिकल कंप्लीट करा, तो हाँ क्लासिकल कंप्लीट ही करवाएंगे, बट एक्चुअली क्या है, कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से हम जो CSIR नेट के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स का वीडियो था वो नहीं डाल पाए थे। जो एक या दो दिन मतलब कंटिन्यू रहेंगे वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लगातार कंटिन्यू प्रॉब्लम सोल्व करते रहिए। और पीछे के जो वीडियोज हैं उनको कंप्लीट आप नोट्स के रूप में तैयार करें, ताकि आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में कहीं पे भी दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। न्यूटोनियन के भी स्टार्ट है साथ साथ में, जो IIT जैम के लिए पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं वो उन वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि मुझे इतना विश्वास है कि यदि उन वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हो तो आपका कोई भी कंसेप्ट इस तरीके का नहीं होगा कि आप IIT जैम टीफर और जेस्ट के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अपन चल रहे थे नेट की इस सीरीज के अंदर, तो अपन इसी में कंटिन्यू करेंगे। और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लिविस विटा टेंशर, और आज मैं बता देता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये CSIR नेट में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है हमेशा, और इसका क्वेश्चन इतना इजी आएगा, आप देखना एक बार, ये पूरा एक बार थ्योरी देखो, 1.5 पेज की थ्योरी है, मतलब एक पेज से आप जो CSIR नेट के जो एक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का कंप्लीट सही कर सकते हो। तो जो लिविस विटा टेंशर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पर्पज फॉर CSIR नेट के, तो आज अपन जो ये टॉपिक है इसको कंप्लीट रूप से शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए क्या हो, बेनिफिट हो सके। तो आज अपन जो ये वीडियो है इसको कंप्लीट देखें, उसके बाद आप CSIR नेट IIT जैम में नहीं आता इसका क्वेश्चन, ना जेस्ट में, टीफर या जेस्ट में इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कभी भी, बट देखो ये क्वेश्चन जो टॉपिक है ये नेट के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया प्लीज इसको शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें। तो अपन डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक लिविस विटा टेंशर, ठीक है। मैंने पीछे वाले वीडियो में ही बता दिया था लिविस विटा टेंशर, यानी एक साइंटिस्ट का नाम है लिविस विटा, और ये टेंशर है, इस टेंशर को हम कहते हैं थर्ड रैंक टेंशर, ठीक है। कितनी रैंक है इसकी, थर्ड रैंक है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड रैंक टेंशर, ठीक है। IJK इसके इंडिसेज है। इस टॉपिक में सिर्फ इंडिसेज ही ध्यान में रखनी है, यदि जिसको ये समझ में आ गया उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। IJK ये कुछ भी हो सकती है इंडिसेज, ठीक है, पर मैंने जर्नली किससे लिया है, IJK से, ठीक है, क्योंकि आपको साइक्लिक ऑर्डर भी क्या रहता है, IJK के कंटिन्यू में ही रहता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी डायरेक्ट, इस पे ज्यादा टाइम पास ना करके डायरेक्ट अपने जो बेनिफिट की चीजें उसको देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी याद रखना, ये बस इतनी ही प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कुछ 2-3-4 प्रॉपर्टी और हैं वो और याद रखनी है आपको, उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इसका, ठीक है। तो देखो पहली बेस्ट जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि देखो कोई भी ये एंटीसिमेट्रिक होता है, कोई भी जो कंटिन्यू की जो इंडिसेज है जैसे IJK उनमें कंटिन्यू की सीरीज को जो एक्सचेंज करोगे आप, जैसे J से I को कर दोगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इसका मतलब एंटीसिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज एनी टू इंडिसेज, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने एग्जांपल लिया IJK, बहुत ही केयरफुली रीड करना इस टॉपिक को भाई, ध्यान से धीरे 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 सब चीज एकदम टॉपिक एकदम, मतलब ये करना है कि आपको कंटिन्यू में ये वीडियो एकदम धीरे धीरे आराम से आपको सोच समझ के इस वीडियो को देख के आपको नोट्स प्रिपेयर करने खुद के, एक बार इनको अपने नोट्सों में लिख लिया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि देखने को तो खूब चीजें देखी जाती हैं, पर एक बार नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो IJK ये एक साइक्लिक ऑर्डर में, मैंने क्या किया, इस जे को उठा के इधर लाया और आई को इधर, मतलब एक्सचेंज कर दिया आई को जे को, जे से आई को, तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया। अब देखो जे है ना यहां पे, जे को तैसे मैंने वापस इसको एक्सचेंज कर दिया, एक बार साइन वापस नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो यही बात है, मैं बोल भी रहा हूं कि ये जो इंडिसेज है साइक्लिक ऑर्डर में होंगी तो इनका मान पॉजिटिव होगा, +1 होगा, इसका मतलब वापस साइक्लिक में आ गई ना। देखो जे, जे के बाद के आता है और के बाद आई आता है, मतलब दो इंडिसेज को एक्सचेंज करने पे नेगेटिव साइन आएगा, वापस इंडिसेज को एक्सचेंज कर दोगे तो वापस नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और वो साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर।
अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखो मैंने अलग से दिखाया इसको किस तरीके से, एक में ही आई जे के, तो मैंने क्या किया इस बार मैंने आगे की दो इंडिसेस चेंज करी है, देखो के को इधर लाया और जे को इधर लाया, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, क्लियर है। दो इंडिसेस को कंटिन्यू सीरीज में चेंज करते ही नेगेटिव साइन क्या आएगा बाहर आएगा, यहां तक क्लियर, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ इज जीरो एनी टू इंडिसेज आर इक्वल, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में कोई भी दो इंडिसेज इक्वल हुई और उसका काम तमाम हुआ नहीं की, ठीक है, मतलब सलट जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो इफ जीरो इफ एनी टू इंडिसेज आर इक्वल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी अलग है भाई, इनको बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। आई जे आई आई जे या फिर आई जे आई, दो इंडिसेज इक्वल होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि साइक्लिक में मतलब साइक्लिक में ही वो इंडिसेज इक्वल हो, कहीं पे भी दोनों फर्स्ट थर्ड हो, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड हो या सेकंड थर्ड हो, कोई भी हो इक्वल जीरो, इसका मतलब देखो ये आई आई दोनों इक्वल है, ये पीछे क्या है फर्स्ट और थर्ड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको एप्साइलन आई और जे जे, दैट इज मीन्स आपका क्या होगी वैल्यू जीरो होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आपने कि साइक्लिक ऑर्डर में होंगे तो प्लस, यदि एक एक्सचेंज भी किया तो नेगेटिव और दोबारा एक्सचेंज करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड क्या कहती है कि दो इंडिसेज इक्वल वैल्यू जीरो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखते रहे और यहां तक मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आते रहे। फर्स्ट दो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो आगे डिस्कस करते हैं अपन, इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी व्हेन ऑल इंडिसेज आर चेंज्ड इन साइक्लिक ऑर्डर, मतलब क्या है भाई, आप किसी भी इन इंडिसेजों को साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करो, इनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ नहीं थी, ठीक है, एप्सिलॉन आई के बाद जे, जे के बाद के, फर्स्ट सेकंड थर्ड को चेंज है, उसके बाद ओके, के का मतलब थर्ड, आई का मतलब टू, सॉरी आई के बाद फर्स्ट और जे का मतलब टू, यानी तीन के बाद दो, एक ही तो आएगा साइक्लिक ऑर्डर में भाई, इस तरीके से है वन टू और थ्री, तो आप क्या करोगे टू पे जाओगे, टू से थ्री और थ्री से फर्स्ट, कोई ऑर्डर चेंज हुआ। फिर देखो जे का मतलब टू थ्री वन, मतलब कोई भी साइक्लिक ऑर्डर में है ना, है वन टू थ्री, थ्री वन टू, टू थ्री वन, इसका मतलब इनके मान में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, इनका मान क्या रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है। ये आपकी हुई थर्ड प्रॉपर्टी। अब चलो साइक्लिक ऑर्डर समझ में आ गया, आई जे के, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के दोनों समान है, तो एप्सिलॉन आई जे के का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी सिक्स होगी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। बट उससे पहले देखो, इट्स वैल्यू इज वन व्हेन ऑल इंडिसेज हैव डिफरेंट वैल्यू एंड इन साइक्लिक ऑर्डर, जरूरी है साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, वन टू थ्री की क्रम में, या टू थ्री वन की, या फिर थ्री वन टू की क्रम में, यानी कंटिन्यू सीरीज होनी चाहिए, इनकी वैल्यू क्या होगी वन, ठीक है, वैल्यू एंड इन साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में होगी तो वैल्यू वन हो, आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक चीज कर देता हूं, इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको, किसको इसको, ठीक है, ये भी जरूरी है, देखो प्रूफ, प्रूफ क्या होगा, प्रूफ इसका ध्यान से देखे भाई, एप्साइलन स्क्वायर है, रिपीटेड इंडिसेज है, इसका मतलब समेशन है, इस पे रिपीटेड इंडेक्स पे क्या होता है समेशन होता है, किसके अकॉर्डिंग आइंस्टीन समेशन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइंस्टीन समेशन रूल के अकॉर्डिंग बता चुका हूं मैं, एप्साइलन स्क्वायर और आई फर्स्ट को ले लो भाई, फर्स्ट कितनी वैल्यू पॉसिबल है वन, इसका मतलब जे के प्लस एप्साइलन स्क्वायर, वन के बाद क्या आएगा टू जे के प्लस एप्साइलन स्क्वायर थ्री जे के,
कोई दिक्कत है यहां तक? मुझे लगता नहीं। मैंने फर्स्ट पे टर्म अप्लाई कर दिया है आई पे, अब मैं अप्लाई करूंगा किस पे? जे पे। जे पे करूंगा तो क्या आएगा, देखो एप्साइलन स्क्वायर वन, इस जे पे अप्लाई कर रहा हूं। जे का मतलब कितना आएगा भाई? देखो जे का मतलब वन के, ठीक है, प्लस एप्साइलन स्क्वायर वन, जे की जगह टू और के इसी पे लगा रहा हूं पहले, प्लस एप्साइलन स्क्वायर और वन थ्री के, ये एक फर्स्ट पे लगा भाई इस पे। अब इस पे अप्लाई करना होगा, देखो प्लस एप्साइलन स्क्वायर टू, जे की वैल्यू फर्स्ट में वन और के, प्लस एप्साइलन स्क्वायर टू, ठीक है, और टू आ गया। अब क्या आएगा देखो, एप्साइलन टू तो था ही, जे की जगह वन, वन की जगह क्या आएगा टू, एप्साइलन स्क्वायर के प्लस एप्साइलन स्क्वायर और क्या है टू तो है ही, जे की जगह थ्री और के, ये लो। अब किस पे लगेगा? थर्ड वाले पे। थर्ड वाले का मतलब क्या हो गया, एप्साइलन स्क्वायर ये रहा थ्री तो है ही, जे एप्साइलन स्क्वायर इस पे लग गया ना, जे 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 पे तो कंप्लीट लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब किस पे लगेगा? अब लगेगा एक सेकेंड, देखो फर्स्ट पे हो गया, सेकंड पे हो गया, थर्ड पे देखो, थर्ड पे क्या होगा देखो, प्लस एप्साइलन स्क्वायर और जे पे फर्स्ट क्या आएगा वन के एज इट इज, प्लस एप्साइलन स्क्वायर थ्री और जे की जगह टू के, और प्लस एप्साइलन स्क्वायर और थ्री और जे की जगह थ्री और के। अब देखो ज्यादा सोल्व नहीं करेंगे अपन इसको, क्योंकि देखो अपने को दिख रहा है, अपने को प्रॉपर्टी पता है पहले से। देखो मैं फर्स्ट पे अप्लाई करता हूं, इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। देखो देखो एप्साइलन वन वन के, इसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, देखो एप्साइलन वन 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 प्लस एप्साइलन वन वन टू प्लस एप्साइलन वन वन थ्री, इसका मतलब इसमें तो कोई भी ऐसा टर्म अवेलेबल नहीं है जो साइक्लिक ऑर्डर में हो और जो तीनों इंडिसेज हो डिफरेंट हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना भाई। के की जगह वन टू थ्री रख सकते हैं, तीनों रख लिए मैंने, और समेशन लगा सकते हैं क्योंकि रिपीटेड इंडिसेज है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी जीरो, इसकी वैल्यू भी क्या होगी जीरो, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी जीरो। अब देखो सेकेंड टर्म पर देखो एप्साइलन स्क्वायर या फिर एप्साइलन टू, सॉरी सेकेंड देखो वन टू के, इस पे क्या अप्लाई करोगे देखो, एप्साइलन वन टू वन फर्स्ट प्लस एप्साइलन वन टू तो फिक्स है, के की जगह टू रखो, ठीक है, प्लस एप्साइलन और क्या आएगा वन टू फिक्स है थ्री। देखो फिर से दो इंडिसेज इक्वल, दो इंडिसेज इक्वल तो टर्म जीरो, मैं अभी अभी प्रॉपर्टी बता के गया हूं, ठीक है। बट यहां देखो साइक्लिक ऑर्डर में एक प्रॉपर्टी है और इसका क्या मान होगा वन। सेम सिचुएशन से इसमें देखो क्या, एप्साइलन वन थ्री के, तो आप पहला एप्साइलन वन थ्री वन भाई साहब सलट गया, प्लस एप्साइलन वन थ्री के की जगह टू, वन के बाद थ्री आता और थ्री के बाद टू, वैल्यू वन, प्लस लास्ट वाला और देखो वन थ्री तो फिक्स है, वन थ्री फिक्स है, के की जगह क्या रखोगे थ्री, इंडिसेज आगे रिपीटेड, इसका मतलब वैल्यू जीरो, मतलब एक वैल्यू वन आई है और एडिशन है इसलिए वन, इसका भी वन, इसका मतलब देखो इस टर्म में क्या हुआ, फर्स्ट टर्म में दो वैल्यू वन आ रही है वन वन और वैल्यू जीरो, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं वन जीरो वन। इसी तरीके से एडिशन आगे भी आएगा क्या, वन जीरो वन प्लस वन जीरो प्लस वन, इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी टू 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 सिक्स, और यही अपने को क्या करना है प्रूफ करना है। तो वैल्यू कितनी आई अपनी, एप्साइलन आई जे के, एप्साइलन आई जे के
इक्वल्स टू एप्साइलन स्क्वायर आई जे के इक्वल्स टू 6। दैट इज मीन्स आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है और ये बीएससी सेकंड ईयर में ही आपको जहां टेंसर पढ़ाया जाता है वहां पे प्रूफ करना भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ टेंसर की प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान, क्वेश्चन करने के लिए सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना इस सब चीजों को। ठीक है, क्योंकि जो लिविस विटा टेंसर में है वो सारा खेल इसी का है, इंडिसेज का, तो इंडिसेज पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, अब कुछ अलग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो, याद रखने के लिए देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी याद भी रखनी है, यदि इस टाइप की सिचुएशन हो एप्साइलन आई जे, क्या हो आई जे और के, एप्साइलन उसके बाद आई जे और जो थर्ड इंडिसेज हो वो कोई भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है भाई, एल हो कुछ भी ले लो, पर ये नहीं लेनी जो यहां ले ली है आपने, आई जे के अलावा कुछ भी ले लो। तो ठीक है, ये थर्ड इंडिसेज देखो, तो इसमें ये चेक करो ये दोनों इंडिसेज इक्वल है क्या, इक्वल है आई जे, आई जे इस टाइप की कहीं आपको प्रॉपर्टी मिलती है और ये दोनों इंडिसेज अलग मिलती है तो इस दोनों का मान याद रखना आपको 2 क्रोनेकर डेल्टा और के और एल, कोई दिक्कत वाली बात क्या होना चाहिए ये, इसको ध्यान में रखना है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसको आप अलग से हेडलाइन कर लो भाई। ठीक है, क्या है के एल। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टी देखो, यदि गलती से क्या हो जाए एप्साइलन और क्या आ जाए आई जे और के, और एप्साइलन और एल और जे और के, ठीक है ये आ जाए, इसका मतलब इस बार इंडिसेज देखो दो ये इक्वल है क्या, आगे वाली तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको पकड़ो फर्स्ट 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 को, तब भी क्या करना आपको, क्या करना है इस बार, क्या है आई और एल, तो आई और एल तो क्या आएगा प्रॉपर्टी हो जाएगी 2 डेल्टा और फर्स्ट में क्या है आई और लास्ट वाली इंडिसेज डिफरेंट कौन सी है एल, तो एल ये लिखिए देख लो आई और एल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने याद रखने का तरीका भी बता दिया, थोड़ा सा आप ध्यान में रख ले, फर्स्ट दो और लास्ट, फर्स्ट दो या फिर लास्ट दो लास्ट। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे और डिस्कस करते हैं अपन। देखो इस पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखो यदि इस टाइप की सिचुएशन आए एप्साइलन आई जे के, ठीक है एप्साइलन आई जे के और एप्साइलन आई, ठीक है और एल और एम, मतलब आपकी जो फर्स्ट इंडिसेज है वो दोनों इक्वल हो और जो लास्ट वाली जो दो इंडिसेज है वो क्या हो डिफरेंट हो, ठीक है डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना होगा ऑलवेज देखो पहले, ठीक है देखो किस तरीके सोल्व करोगे डेल, ठीक है और सबसे पहले जो दो डिफरेंट है ना उन्हीं को पकड़ो, जे है जे और आगे वाले में क्या है एल, ठीक फिर वापिस क्रोने का डेल्टा, सेकंड कौन सा बच गया के और इसका सेकंड कौन सा बच गया एम, नेगेटिव साइन अपोजिट कर दो इनको, डेल इस बार जो जे है ना वो आगे वाले के साथ आएगा यानी एम के साथ, जे एम और डेल इस बार जो K है वो किसके साथ आएगा L के साथ, ये लो वापिस बता रहा हूं, जब फर्स्ट इंडिसेज इक्वल हो और इस तरीके की कंडीशन दी हुई हो तो पहले दोनों को पकड़ो, फर्स्ट फर्स्ट का कॉम्बिनेशन, सेकंड सेकंड का कॉम्बिनेशन, फिर फर्स्ट सेकंड और सेकंड फर्स्ट का लगाओ बीच में नेगेटिव साइन, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब कुछ क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, क्योंकि यहां क्रोनेकर डेल्टा आ रहा है ना, इसको भी तो सोल्व करना पड़ेगा आगे, तो अब देखते हैं क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी और इसके बाद अपन इस पे करेंगे क्वेश्चन पे डिस्कस। तो याद रहे इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है नेट में एक क्वेश्चन आपको 101% देखते ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी। तो देखो क्रोनेकर डेल्टा से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो, तो क्रोनेकर डेल्टा डेल्टा आई जे,
यदि दोनों इंडिसेज इक्वल हैं, यानी आई और जे का मान क्या है, इक्वल है, तो वैल्यू क्या होती है इसकी, वैल्यू होती है क्या, वन, और अदरवाइज वैल्यू जीरो। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर्टी देखते, देखो एक बार, डेल्टा आई आई है जैसे, तो इस इंडिसेज को आप कैसे लिख सकते हो, वन वन, वन टू, वन टू मतलब दोनों इंडिसेज अनइक्वल, अनइक्वल जीरो, इसका मतलब वन वन, टू टू और थ्री थ्री वाले टर्म, तो इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन और इसकी वैल्यू वन, तो वैल्यू कितनी आएगी, थ्री। ठीक है, उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये दोनों, आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ध्यान रखें इस बात को, ए आई और डेल्टा आई जे, इसका मतलब फर्स्ट इंडिसेज इसकी और क्रोनिकर डेल्टा इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो, इन इंडिसेज के लिए डमी इंडिसेज है, तो इनकी जगह क्या लिख सकते हो, ए जे, क्या लिख सकते हो, ए जे लिख सकते हो। इसी तरीके से ए आई और बी जे और डेल्टा आई और जे, तो ये दोनों डमी इंडिसेज हुई, तो इनको या तो क्या कर सकते हो, ए आई बी आई लिख सकते हो, या ए जे बी जे लिख सकते हो, याद रखना इस दोनों प्रॉपर्टी को भाई। ठीक है, ए आई बी जे डेल्टा आई जे है, तो इसको ए आई आई बी आई या फिर ए जे बी जे लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना भाई आपको, प्रॉपर्टी को, ये बस 10 या 12 प्रॉपर्टी है, एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। अब यहां देखो, यही प्रॉपर्टी अभी मैंने मिटा दी है वैसे तो, पर बताओ डेल्टा जे एल एम, इसको तो छोड़ो पहले, इस पे तो आप बात ही मत करो, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इस पे आओ, इस प्रॉपर्टी में, तो आपको ये प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, आई और डेल्टा आई एल एम, यानी ये और ये इंडिसेज इक्वल है और ये एम, तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, देखो यदि ए आई और ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एम की जगह क्या यूज कर सकते हैं अपन, जे एल और आई यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई यूज करेंगे अपन, तो आई यूज करेंगे इसका मतलब एम की जगह भी आई यूज करेंगे, तो एम की जगह आई यूज, तो आर और एल, इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी आपको ध्यान में रखना है, आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ध्यान में रखना इस प्रॉपर्टी को। अब आते हैं अपन डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, तो देखो कोई भी दो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, ए डॉट बी वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो ए आई बी आई या फिर ए जे बी जे, क्या लिख सकते हो, ए आई बी आई या फिर ए जे बी जे, कंप्लीट है। उसके बाद अपना क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पे बिना टाइम वेस्ट किए देखो आईएथ कंपोनेंट देखते हैं इसका, आईएथ कंपोनेंट में लिखने का तरीका देखो, एप्साइलन आई, उसके बाद जो आपका मन करे वो इंडिसेस दे दो, जे के दे दिया तो ए जे बी के। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसका एक और ऐसे बता देता हूँ, ए क्रॉस बी कंपोनेंट ऑफ आई एथ इक्वल्स टू लिखना हो, तो देखो एप्साइलन आई तो आएगा ही, इसकी जगह कोई भी इंडिसेज यूज कर सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है जे के, मैंने यूज किया एल और एम, तो आपको क्या लिखना होगा, ए एल और बी एम लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ए एल और बी एम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई। अब देखो, अब ये कंसेप्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज आएगा, मान लो क्वेश्चन में कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो सेपरेटली जो वेक्टर दिया हुआ उसको सेपरेट आप क्या मान लो, कंपोनेंट मान लो। देखो, इफ ए वेक्टर इज रिपीटली सेपरेटली गिवन राइट इट्स कंपोनेंट टू सोल्व द प्रॉब्लम, आपको यदि सोल्व करना है क्वेश्चन, तो सेपरेटली उसको कंपोनेंट मान लो और लास्ट में जब क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो उसकी जगह वापस से वेक्टर पुट कर दो। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर कोमा बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर पूछा है इसका। ठीक है, तो देखो अलग अलग वेक्टर दिया हुआ है, तो देखो वेक्टर की जगह मैंने क्या कहा, कंपोनेंट मान लो आप, तो देखो मैंने पहले के लिए माना ए आई, कोई भी इंडिसेज मान सकते हो, जरूरी नहीं है, और आर आई। ठीक है, उसके बाद क्या मानोगे, बी आई, ठीक है, और पी जे, अलग अलग मान लिया, आई आई सेपरेट मानना दोनों को अलग अलग। ठीक है, इसको जे मान लिया दोनों को और इसको आई मान लिया, अब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्स्टेंट, तो बाहर पटक सकते हैं अपन, पढ़ के आए पॉइजन ब्रैकेट ए आई और बी जे, अंदर क्या बचा, आर आई और पी जे। हाजी बताया हुआ नहीं, बताया हुआ फंडामेंटल वेक्टर, और एक कमेंट आया था कि इसमें आपने क्या नहीं किया, आप इसमें नेचुरल यूनिट काम में नहीं ली, भाई साहब नेचुरल यूनिट क्लासिकल में एच कट को वन मानते हैं क्वांटम में, बट ये क्लासिकल है, क्लासिकल में क्वांटम एच कट का कोई कंसेप्ट नहीं होता, एच कट जहां आता है वहां क्वांटम का ओरिजिन होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू वन होती है क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है,
देखो तो आर आई और पीजे का आपको मैंने बताया हुआ था, ये आर आई और पीजे, कई बार ऐसे भी लिखते हैं पोजन ब्रैकेट को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा आई और जे, भाई साहब इसका डेल्टा आई जे तो पुट करो, ए आई बी जे और डेल्टा आई जे, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, जे जे फिक्स हुआ तो क्या यूज कर सकते हैं, आई को घुमा के यहाँ लेके आओ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई और बी आई, ठीक है। यही प्रॉपर्टी रखो, ए आई बी आई है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज मीन्स इसका आंसर क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कहीं पे भी दिक्कत आई के सोल्व करने में और उस तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ए एक्स मानू बी एक्स मानू, इसको एक्स आई वाई पे जे मानू, कुछ ऐसे सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहां तक आपकी प्रॉपर्टी थी, बाकी अपन क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अब ये देख लो कि एक क्वेश्चन यहां से आपका गलत होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई नेट एग्जामिनेशन में, इसका मतलब यहां तक याद करो, मेमोराइज रखो इन चीजों को, एक क्वेश्चन आपका 101% सोल्व हो जाएगा। अब एक मैं नेट में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करता हूं, उसके बाद आपको यदि ये वीडियो शेयर किया अच्छा लगा तो इसके ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड अपन वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, नेट एग्जामिनेशन में आया हुआ इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है, लिविस वीटा टेंशन पे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस जो कि नेट एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन, और इन पे ही डिस्कस करेंगे अपन पहले, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ उस पर कर सकते हो, मेल आईडी दिया हुआ उस पर आप मैसेज डाल सकते हो। तो आपको अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को आप टेक्स्ट मैसेज दिया, सॉरी क्या नाम है, व्हाट्सएप मैसेज या फिर टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना। बाकी दो क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं अपन आज। देखो ये क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2014 में पूछा गया था, और इसको ये पूछा था, एक्सप्रेशन ये दिया हुआ था, और इसको सिंप्लीफाई करना था अपने को। तो देखो ये समेशन लगा हुआ है, ये इस पे समेशन लगता है, तो आपको मैंने बताया था समेशन रूल से समेशन अज्यूम कर सकते हैं अपन। तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं क्या, एप्सिलॉन आई जे के, ये समेशन लगा हुआ है इस पे ऑलरेडी, पॉइजन ब्रैकेट एक्स आई और पी जे और एल के, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखो कि आप जानते क्या हो इस क्वेश्चन में अभी तक। हाँ भाई साहब, ये कुछ क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि आपको फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट जैसा, तो इसको देखो, पॉइजन ब्रैकेट फंडामेंटल क्या होगा, पी जे और एल के, इसको मैंने लिखना सिखाया था पॉइजन ब्रैकेट का, पीछे वाला वीडियो देखें यदि ये नहीं आ रहा है तो, पॉइजन फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट देखें क्या आएगा, जे और के है तो एप्साइलन जे और के एज इट इज। अब जो आपके मन में आया इनमें इंडिसेज नहीं होनी चाहिए, कुछ भी इंडिसेज दे दो, देखो एल नहीं है इनमें तो मैं एल दे देता हूं इसको, तो एल और साथ में पी जे और एल और पी में रिलेशन होता तो क्या आता है, पी, और क्या आता है जो इंडिसेज अदर देते हो वही आता है, यानी पी एल। तो ये पुट करो उठा के, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, एप्साइलन आई जे के एप्साइलन जे के एल, और ये क्या आ गया, पॉइजन ब्रैकेट क्या आ गया, एक्स आई और पी एल। हाँ जी, इसका भी आप फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट जानते हो, क्या होता है, मैंने करवाया था एक्स आई और पी जे, क्या होता है, डेल्टा आई जे, इसका मतलब यहाँ एल ही तो है तो कुछ टेंशन नहीं है, क्या आ जाएगा, एप्साइलन आई जे के एप्साइलन जे के एल और डेल्टा आई और एल। अब देखो लास्ट की इंडिसेज इक्वल है, ये प्रॉपर्टी मैं अभी करवा के गया हूँ, लास्ट की प्रॉपर्टी इंडिसेज बराबर है, इसका मतलब आई पुट कर सकते हो यहाँ पे आप, तो एप्साइलन आई जे के और एप्साइलन जे के आई। हाँ भाई साहब, इसको आप सोल्व कर सकते हो, देखो आई के बाद जे है, जे के बाद के है, इसका मतलब साइक्लिक ऑर्डर में है, जे जे के बाद के और के बाद आई, इसका मतलब साइक्लिक ऑर्डर में है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, एप्साइलन आई जे के और एप्सिलॉन आई जे के, तो कोई इफेक्ट नहीं है, अनचेंज रहेगी, इस वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आई जे के का स्क्वायर। इसको अपन अभी अभी प्रूफ करके आए, कितना होता है वैल्यू, 6, दैट इज मींस इसका आंसर कितना हो गया, 6 आंसर हो गया। देखो इतना जल्दी क्लियर नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस प्लस धीरे धीरे आपको मेमोराइज करनी होगी वो सारी प्रॉपर्टी जो आप, और क्वेश्चंस करोगे ना तभी आपको ये पता लगेगा कि यहां ये प्रॉपर्टी अप्लाई
कर सकते हैं, देखने से कोई चीजें नहीं होती आपको, ठीक है। स्ट्रगल करना होगा भाई, बट आज आप ट्राई करें, मुझे यकीन है कि 101% लिविस विटा टेंशन का क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करना है इसको सिंपलीफाई। तो मैंने क्या कहा, इसमें एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर वाले क्वेश्चन में कोई भी वेक्टर दिया हो उसको सेपरेट आप कंपोनेंट मानो। मैंने माना कि जो एल जो वेक्टर दिया हुआ है मैंने उसको एल जे कंपोनेंट मान लिया। क्या मान लिया, कुछ भी मान सकते हो जे की जगह, बस इनमें से इंडिसेस नहीं होनी चाहिए वो जो गिवन है उनमें से, बाकी कुछ भी मानो। मैंने एल जे मान लिया, आप एम मान के कर लेना चाहिए वही आएगा, ठीक है। देखो एल जे और क्या है एल आई, यही है क्या, हाँ ठीक है, और कॉमा एल आई, ठीक है। अब आपको पता है ये एक फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट है, क्या होता है फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट, ये एल जे और एल आई क्या होता है, चेक करें इससे पहले वाला वीडियो पॉइजन ब्रैकेट का, एप्साइलन जे आई और अब कोई भी इंडिसेज, बट इनमें से नहीं होना चाहिए, फिर बोल रहा हूं मैं इनमें से नहीं होना चाहिए, मैंने दे दिया एल, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगा, और वही एल एल, जो एल 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 होते तो एल आता है, एक्स और पी होता है तो एक्स आता है, और एल और पी होता तो पी आता है, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट में बता चुका हूं मैं, ठीक है। ये मान कहां रखोगे आप उठा के, यहां पे, तो एप्साइलन और जे और उसके बाद एल, सॉरी आई और उसके बाद एल और अंदर क्या बचा, एल एल और कॉमा एल आई, वापिस से फंडामेंटल पोजिशन ब्रैकेट बन गया। ये जस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो, एप्साइलन जे आई एल, पर याद रखना एल आ चुका है, आई है, जे है, उसके अलावा कोई इंडिसेस देना है, मतलब एप्साइलन एल और आई तो आएंगे ही, एल और आई एज इट इज, तीसरा कोई भी इंडिसेस मैंने के दिया तो के रख दो यहां पे, उसके बाद एल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे, ठीक है। अब देखो मैं इस इंडिसेज में ये के इक्वल है, एल के इक्वल है, ठीक है। पहले उसमें ये देखो, बट ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, तो इसमें ये देखो आई और जे और आई और जे आई और एल, आई और एल दोनों बराबर है, आई और एल, तो ये तो फर्स्ट के दो बराबर है, तो इनको अपन वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो मैं बताता हूं, देखो एप्साइलन और जे और आई और एल, ठीक है, इसमें क्या करता हूं मैं, एप्साइलन, ठीक है, आई तो ऐसे एल को यहां और के को यहां करो, तो के और आई और एल के, बट इंडी से चेंज हुई, इसका मतलब माइनस बाहर। अब देखो ये क्या हो गया, अब इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो आप, देखो ये प्रॉपर्टी आ गई, देखो क्या हो गई, दो इंडिसेज लास्ट की बराबर है, तब मैंने कहा था फर्स्ट की दो इंडिसेज यदि अनचेंज्ड हो, मतलब एन इक्वल हो, तो क्या करना है, माइनस तो एज इट इज टू डेल्टा जे और जे के बाद के, और ये क्या आएगा एल के, इसका मतलब ये डमी इंडिसेज है, तो इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, जे यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी पड़ी होगी आपने, ए आई डेल्टा आई जे, इसको क्या यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप, ए जे यूज करते हो ना, तो के और के दोनों बराबर, तो क्या यूज कर सकते हो, माइनस का टू और एल और जे। अब ये चीज देखो आप मान के चले हो क्या, एल जे क्या मान के चले हो, वेक्टर वापस पुट कर दो सेपरेट, तो माइनस टू एल वेक्टर, मैंने तो इसको अलग अलग मान के किया, आप अलग अलग कोई भी इसको एम मानना एन मानना या के मानना एन मानना, वापस ये का यही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे जैसे लिविस विटा टेंशन के क्वेश्चन आप करोगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, आपको अच्छा लगे तो। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।